हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आस्था रहेजा, कंसल्टेंट IVF एंड प्रेगनेंसी केयर स्पेशलिस्ट गुंजन IVF वर्ल्ड इंदिरापुरम। आज हम बात करेंगे क्या सरोगेसी करना सही है। सरोगेसी करना उन कपल के लिए सही है जहां पे औरत के पास या तो यूट्रस नहीं है या यूट्रस किसी ना किसी वजह से निकाल दिया गया है, जिन लोगों में हिस्टरेक्टमी हो रखी है या यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस जैसी ऐसी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से कैविटी खराब हो चुकी है, और जिन लोगों में बार बार IVF फेल हो रहा है या कोई ऐसी मेडिकल दिक्कत है जैसे कि एप्ला सिंड्रोम, किडनी की परेशानी, वेस्कुलाइटिस या और कोई कंडीशन जिससे एक वुमेन बच्चा कैरी नहीं कर पा रही है। ऐसे केसेस में बायोलॉजिकल पेरेंट कैसे बना जाए? अगर एक औरत बच्चा कैरी नहीं कर पा रही है किसी ना किसी वजह से, उनके लिए सरोगेसी बिल्कुल एक ठीक ऑप्शन है। सरोगेसी में उस औरत के अंडे लिए जाते हैं ओवम पिकअप के प्रोसीजर के थ्रू। उन अंडों को स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है और बीज बनाया जाता है। ये बीज किसी सरोगेट में रखा जाता है जिसको हम कहते हैं इम्प्लांट किया जाता है। सरोगेसी के बारे में कुछ मिथ्स और फैक्ट्स हैं जिनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि सरोगेसी सिर्फ रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। सरोगेसी अगर एक वेल्दी अफेयर है भी, बट अगर इसे एक सिस्टमिक प्लानिंग के साथ किया जाए तो एक मिडिल क्लास इंसान भी सरोगेसी को ऑप्ट कर सकता है। लोगों को ये भी लगता है कि सरोगेसी सिर्फ वो लोग ऑप्ट करते हैं जिन्हें अपनी फिगर बचानी होती है या फिगर मेंटेन करनी होती है। ऐसा नहीं है। सरोगेसी उन लोगों के लिए है जो इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो किसी न किसी वजह से बच्चा कैरी नहीं कर पा रहे। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि सरोगेसी से हुए हुए बच्चे से बॉन्ड नहीं बन पाएगा, मदर और बेबी का बॉन्ड जो बनता है बर्थ के बाद वो नहीं हो पाएगा। जबकि जब बच्चा पैदा होता है उसे इमीडिएटली इंटेंडेड कपल, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाता है ताकि वो अपने ही माँ बाप को उसी टाइम पहचाने और उनसे एक बॉन्ड क्रिएट हो। सरोगेसी के बाद लोगों को ये भी लगता है कि जो सरोगेट है अगर वो बच्चा मांगने लगी तो हम क्या करेंगे। देखिए, ये एक लीगल प्रोसीजर है जिसके द्वारा सरोगेसी की जाती है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है लीगली वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को हैंडओवर कर दिया जाता है और सरोगेट मदर का उसके ऊपर कोई भी हक नहीं होता है। तो ये चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है कि एक पूरा लीगल प्रोसीजर है जिसके द्वारा बायोलॉजिकल पेरेंट्स को बच्चा दिया जाएगा और बिल्कुल उनसे बॉन्ड क्रिएट हो पाएगा। तो अगर आप इन में से किसी भी वजह से माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं तो सरोगेसी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मी एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।